क्लास प्लस टू, अब हमारा थर्ड चैप्टर क्या है बिजनेस स्टडीज़ का? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हमारा क्या होता है? किसी चीज़ को जब हम क्या करते हैं, काफ़ी अदर अदर एक्टिविटीज़ को जो हम इकट्ठा टुगेदर जब हम काम करते हैं, ठीक है, इकट्ठा उनको मिलकर उनको क्या करते हैं, उन पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को हम ब्रिंगिंग टुगेदर, मतलब कि इकट्ठा जोड़ते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या मीनिंग, कोऑर्डिनेशन इज़ नथिंग बट ब्रिंगिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ मूवमेंट्स विद अ प्रॉपर और रिक्वायर्ड रिलेशन टू द इनहोर हारमोनी हारमोनी और द इफेक्टिव ऑपरेशन। इसके अंदर हमारा क्या है, मीनिंग क्या है कोऑर्डिनेशन का? कोऑर्डिनेशन क्या होता है हमारा, मींस इंटीग्रेटिंग और ब्रिंगिंग टूगेदर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन इंटरप्राइज। एक इंटरप्राइज की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को क्या करना, एक साथ जोड़ना। और वो एक साथ किस लिए जोड़ते हैं, जो हमारा जो एक कॉमन गोल है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि हमारा कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट करके रखना हर चीज़ को, कोऑर्डिनेट करके मतलब हर चीज़ को अच्छे तरीके से सही यूज़ के अंदर लेकर आना, ठीक है। जैसे हमारे स्कूल के अंदर क्या होती है, एक कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर हमारा क्या काम करते हैं, वो हमारे स्टूडेंट्स का जो जिनकी वो कोऑर्डिनेटर, चाहे वो प्राइमरी है चाहे सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या होगी, प्राइमरी की हर हर एक्टिविटीज़ को क्या करेगी, जज आउट करेगी, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे काम चल रहा है, सब कुछ। जो सेकेंडरी है वो सेकेंडरी का सब कुछ देखेंगे, ठीक है। वो क्या कोऑर्डिनेटर है, वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है। अब जैसे इट यूनिफाइज एंड इंटीग्रेट द डिफरेंट एक्टिविटीज़ टुगेदर कॉमन एंड, उनका एंड क्या होता है, कॉमन होता है। इट इज़ बाइंडिंग फोर्स विच ऑर्डरली लिंक ऑल कंपोनेंट्स ऑफ एन इंटरप्राइज। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल किया दिया, एक स्पीकर है, एक स्पीकर कोऑर्डिनेट है, वो क्या करेगा, स्पीकिंग का ही अलग अलग आइडियाज़ देखेगा, ठीक है। ही इज़ डिफरेंट आइडियाज़ वेन स्पीकिंग, जो स्पीक कर रहा है उसके डिफरेंट आइडियाज़, ठीक है। एक स्विमर है, वो क्या देखेगा, स्विमर कोऑर्डिनेट है, वो क्या देखेगा, मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, पार्ट्स की मूवमेंट देखेगा वाइल जब स्विमिंग हो रही है, ठीक है। ये ही हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, कि उस चीज़ को देखना, ठीक है, एक साथ वो वाली एक्टिविटीज़ को अच्छा करना। कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स टू गैदर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल। उसके बाद हमारा क्या है, नेचर और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमारे नेचर और फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है हमारे, फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो क्या है, हमारा ग्रुप एफर्ट, वो एक इंडिविजिबल का वर्क नहीं है, वो क्या है, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स के लिए माना जाता है। जैसे कि अब हमारा प्राइमरी है, तो वो पूरा ऐसे तो नहीं है ना सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन, एक कोऑर्डिनेटर का ही होगा, वो जो उसके अंडर आने वाले जो भी हैं, जो उनका ग्रुप है, वो सभी का ही क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा। कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑर्डरली मैनेजमेंट ऑफ ग्रुपिंग ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड नॉट इंडिविजुअल एक्टिविटी। वो क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, विच इज़ नॉट नेसेसरी एंड एसेंशियल फॉर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। सेकेंड हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। क्या है, इट्स वो कौन सी यूनिटी ऑफ एक्शन है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इज़ अ यूनिफॉर्म एक्टिविटीज़ इंटीग्रेटिंग एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल फॉर द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी सभी की एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि वो जो अचीवमेंट है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल का ही है, जो हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनकी क्या है, खुद का ये एक कॉमन ऑब्जेक्टिव बन जाता है, खुद की एक गोल बन जाता है वो जो अचीव करने के लिए। उसके बाद जो हमारी कोऑर्डिनेशन है, इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस। वो क्या है हमारा, कंटिन्यू प्रोसेस है, वो क्या है, काफ़ी पहले से ही वो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से ही वो चीज़ कोऑर्डिनेशन क्या है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, और वो क्या है हमारा, कंटिन्यू प्रोसेस है। उसके बाद क्या है हमारा, कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल प्रोसेसिव फंक्शन। ऑल प्रोसेसिव फंक्शन क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक ही जगह पे होगा, वो क्या है, यूनिवर्सल फंक्शन है, और क्या है, लेवल इन द डिपार्टमेंट एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शन ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंस वेरियस एक्टिविटीज़। वो हमारे क्या है, हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो यूज़ होती है, क्योंकि वो क्या है, यूनिवर्सल फंक्शन है।
उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। जो हमारे जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे अपना जो टॉप लेवल जो होते हैं उनको क्या है नीड किसकी होती है, कोऑर्डिनेटर्स की, किसके लिए, सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट का जो भी पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनको सारी ड्यूटीज़ देना, उनके जो उनके काम को देखना, ये सब कुछ किसकी होती है, टॉप लेवल, ठीक है। उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज़ कोऑर्डिनेट किसको करते हैं विद द बोथ द टॉप लेवल एंड फर्स्ट लाइन मैनेजर। जो मिडिल लेवल है वो किसे उसको कोऑर्डिनेट कौन करता है, टॉप और जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं। उसके बाद थर्ड सिक्स्थ क्या है हमारा, कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलीग्रेट फंक्शन। इसके बाद इसके अंदर क्या है, नेवर एस्टेब्लिश बाय इटसेल्फ बट इट इज़ डेलीग्रेट एफर्ट्स ओनली, कोऑपरेशन इज नॉट सफिस बट कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। जैसे कि हमारा इसके अंदर जो एक टीचर है वो क्या है, वॉन्ट टू टीच अफेक्टिवली बट दिस इज़ कोऑपरेशन, बट द टाइम टेबल इज़ नॉट प्रिपेयर इन द स्कूल, दिस इज़ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जो हमारा उसके अंदर क्या है, जो हमारा एक टाइम टेबल है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसकी कोऑर्डिनेशन करेंगे। मतलब हमें पता है कि हमने इस टाइम पर हमने ये चीज़ हमने कंप्लीट करनी है, इस टाइम पर हमने ये चीज़ कंप्लीट करनी है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे एक टीचर है कि उसको बिना ही टाइम टेबल के अंदर जो हमारे जो अंडर हमारे काम कर रहे हैं उनको अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि तुमने क्या काम किस टाइम पे करना है, तो हम उनके अकॉर्डिंग हम क्या नहीं, कोऑर्डिनेशन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है इसके अंदर टॉपिक, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो किसका, मैनेजमेंट का भी क्या है, पार्ट है। जैसे कि हमारा कोऑर्डिनेशन हम किसके साथ करेंगे, प्लानिंग के साथ करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग के साथ, स्टाफिंग के साथ, डायरेक्टिंग के साथ, कंट्रोलिंग के साथ। और जो हमारा ये फोर्थ पॉइंट है ये कल हम कल पढ़ेंगे।